हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे इज 7th of March और मैं सुबह उठ के कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज जाना है सुबह सुबह। सो लेट्स गो। अभी मैंने ओडिशा निवास से एक ऑटो ले लिया है कॉलेज के लिए और अभी मैं कॉलेज ही जा रही हूँ। बाकी सुबह सुबह ऑटो राइड्स आर रियली गुड। सो चलिए मैं आपको ऑटो राइड दिखाती हूँ। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत तब चाहे जिंदगी है। Finally, I reached my college और अभी मैं कॉलेज के अंदर जा ही रही हूँ धीरे धीरे। और चलिए पहले मैं आपको मेरे कॉलेज का मेन एंट्रेंस दिखा देती हूँ। सो दिस इज़ गार्गी कॉलेज और ये हमारे कॉलेज का मेन एंट्रेंस है। और अभी मैं मेरा रूम ढूंढ रही हूँ क्लास के लिए। मेरा तो कोई पास्ट लाइफ का एक कनेक्शन है रेड बिल्डिंग्स के साथ, मतलब मेरे बचपन से मैं जिन जिन स्कूल्स में गई हूँ सबका रेड बिल्डिंग। फाइनली मैं कॉलेज में भी आई, वहाँ पे भी रेड बिल्डिंग। सो मे बी रेड बिल्डिंग्स आर लकी फॉर मी। सो ये अब चलिए क्लास चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। सो फाइनली मेरी जी की क्लास तो ख़त्म हो गई एंड हियर आई एम विद द रूफ टॉप व्यू ऑफ आवर गार्गी कॉलेज। और मतलब छत के ऊपर से हमारा कॉलेज ऐसा दिखता है। हमारी क्लास अभी पूरा ऊपर वाले फ्लोर में था ना, सो इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे अभी निकल रहे हैं क्लास से, क्लासेस ख़त्म हुए ना अभी, और बैठे भी हैं कुछ कुछ। और अभी यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं नीचे यहाँ स्टेयर्स पे। सो फिर चलिए नीचे चलते हैं। सो अभी आई एम गोइंग डाउन, वहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं। हम हमारी नेक्स्ट क्लास का वेट कर रहे हैं। अभी अनुसया मैम की क्लास है और उनका भी आज दो दो क्लासेस हैं, मतलब 2 आवर्स फिर से कंटिन्यूस क्लासेस। सो फिर चलिए। सो गाइज, मुझे पता है आप सब तो अभी पूरा क्यूरियस होंगे कि मैं कॉलेज में थी अचानक से ये कहाँ पे मैं दिख रही हूँ। सो बेसिकली हमारा जो 3rd और 4th पीरियड था अनुसया मैम का, सो वो क्लासेस कैंसिल हो गई क्योंकि मैम आज लीव पर थी। और ये बात उन्होंने पहले तो बताई नहीं थी, तो ग्रुप पे मैसेज दिया था तो हमने देखा तो हमको पता चला 3rd और 4th पीरियड वाली, सो वो दोनों कैंसिल है बिकॉज मैम आज लीव पे हैं। सो पूरा 2 घंटे का जो था वो तो बर्बाद होने वाला था, कुछ भी नहीं था। सो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने सोचा कि वी विल जस्ट मूव अराउंड थोड़ा ऐसे कॉलेज के साइड साइड में। सो हमें मिला अरुण जेटली पार्क जो कि पूरा हमारे कॉलेज के पास ही है। सो मैं अभी वहीं पे बैठी हूँ, देखते हैं आगे हम क्या क्या करते हैं, उसी हिसाब से मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। चलो मैं डालिनी हाय बोलो। हेलो कृतिका शालिनी हाय। ये सो ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं, आपको इन सब के चेहरे हमेशा अभी से मेरे ब्लॉग में दिखने लगेंगे। सो मीट शालिनी, हमारी टिंगू सी फ्रेंड, बहुत ज्यादा प्यारी है ये। हाँ, और बहुत बातें करती है। हाँ मतलब मृणालिनी ज्यादा बातें करती है। मृणालिनी भी देखेगी। हाँ तो सो आपको शालिनी के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बातें पता चलेगी मेरे ब्लॉग्स में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। It's you, oh you, the
सो अभी हमारा घूमना तो हो गया और हमने रेस्ट भी ले लिया थोड़ा सा। अभी अराउंड 12:20 हो चुके हैं और हमारा नेक्स्ट क्लास 1:05 को है और इसलिए हम कॉलेज जा रहे हैं अभी और वहाँ पे हमारा स्नैक्स वगैरह करेंगे फिर क्लास के लिए जाएंगे। चलिए सो हमारा क्लास अभी कंप्लीट हो गया है, मतलब आज के लिए सारे क्लासेस आर डन। सो मैंने सोचा आपको कॉलेज की टूर पे ले चलूं। दिस इज आवर लाइक कैफेटेरिया टाइप्स। मैं जा रही हूँ अभी आपको दिखाऊंगी वहां से, यहाँ से तो कुछ नहीं दिखेगा ना। सो बेसिकली दिस इज रेवरी 2022 जो कि अभी कंप्लीट हुआ है हमारा फेस्ट। और ये सारे सोसाइटीज का जो वॉल है, हर सोसाइटी का कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। सो दिस इज बेसिकली आवर कैफेटेरिया। ये राइट साइड पे हमारा नेस्कैफे का है, दिस इज द नेस्कैफे एंड दिस इज द कैंटीन। तो मैंने अभी तक तो मेरे कैंटीन से कुछ भी नहीं लिया है, सो आगे अगर मैं कुछ लेती हूँ तो मैं आपको वो बताऊँगी। सो चलिए अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। सो आगे आपको दिखेगा हमारे कॉलेज का प्लेग्राउंड, मतलब बड़ा सा फील्ड। आज धूप बहुत ज़्यादा है सो इसीलिए मैं फील्ड में पूरा जा नहीं रही, क्योंकि अभी इतने धूप में मैं नहीं कर पाऊँगी वहाँ पर कुछ ब्लॉग। चलिए अभी वापस चलते हैं। सो यहाँ से आप देख सकते हैं गार्गी ऑडिटोरियम को, जिसके अंदर का व्यू मैं आपको आने वाले ब्लॉग्स में दिखाऊंगी। और हमारा कॉलेज का इस साइड से भी हम जा सकते हैं और उस साइड से भी हम जा सकते हैं, सेम ही रास्ता है। बाकी अभी तो मेरा कॉलेज का सारा काम ख़त्म हो गया है और मैं अभी जा रही हूँ वापस घर। और अभी मैं एक ऑटो लूँगी और फिर जाऊँगी वापस। आज का दिन तो वैसे भी काफ़ी लंबा था और मैं आज पूरा थक चुकी हूँ अभी, सो मुझे अभी बहुत सारा रेस्ट लेना है। तो आई रीच्ड ओडिशा निवास और आज हमने UBQ से मंगाया है हमारा लंच। सो वी हैव दाल मक्खनी, वी हैव वेज मक्खन वाला कॉर्न एंड वेजीज वगैरह है एंड दिस ब्रोकली राइस। और स्टार्टर्स में आई हैव अमेरिकन कॉर्न एंड सम अंगूरी गुलाब जामुन, ये तो डेजर्ट में है। हाँ तो और बाकी वी हैव सम चटनीज एंड दिस इज पनीर टीका। नाउ आई विल फिनिश माई लंच, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।